श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सिद्धोचारणों और मुनियों की संसद सभा के बीच अपनी प्रिया पार्वती जी को गोद में लेके बैठे थे शंकर भगवान और आलिंगन कर रहे थे। ये विमान से देख करके विद्याधर यानी चित्रकेतु जो विद्याधर बन गया था वो नीचे आया और कहने लगा जितने सभासद बैठे थे कि भाई देखो मेरी बात सुनो, ये सारे जगत के गुरु और धर्म की शिक्षा देने वाले सब प्राणियों में ये सबसे श्रेष्ठ हैं, इनको देव गिना जाता है। और भरी सभा में अपने पत्नी को चिपका करके बैठा हुआ लाशर्म बिना का, अरे साधारण पुरुष भी ऐसा अगर करते भी हैं तो एकांत में बंद कमरे में कहते हैं सभी सभासदों के सामने ऐसा कर रहे, अपनी गोद में बैठा के बैठे हैं। राम 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 राम, ये तो जो है मर्यादा को अपने भूल गए हैं। भगवान शिव तो भोला नाथ है, वो मुस्कुरा के रह गए, कुछ नहीं बोले। परंतु पार्वती जी को बहुत भयानक गुस्सा आया और माता जी ने श्राप देते हुए कहा, ऐ विद्याधर चित्रकेतु, हाँ तो शिव के प्रभाव को नहीं जानता, तुझको ऐश्वर्य मिला है तो इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के जरिए, और तुम अहंकार में आ गया है इसलिए तुम श्री हरि के चरणों में बैठने लायक नहीं हो। हाँ, तुमको ऐश्वर्य का घमंड हो गया है इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो है राक्षस योनि में जन्म लो ताकि भविष्य में कोई महापुरुष के चरित्र में लांछन न लगाए, उन्हें कटु वचन न बोले। सुखदेव जी कह रहे हैं ये चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप से जो है यानी कि प्रजापति त्वष्टा के यहाँ दक्षिणा अग्नि में से वृत्तासुर रूप लेकर के प्रकट हुआ। पूर्व में भगवान का पार्षद था और श्रापित होने के कारण जो है राक्षस बन करके प्रकट हुआ। तब राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा दधीची और वृत्तासुर की कथा विस्तार पूर्वक सुनाया, जो दक्ष महाराज की 13 कन्याओं को कश्यप ऋषि से विवाह था उसमें अदिति के वंश में पुत्र रूप से जन्मा त्वष्टा का प्रभाव इतना था कि उन्होंने यज्ञ में से राक्षस को पैदा कर दिया था। अब बता रहे हैं आगे की कथा जो है मैं और कन्याओं के वंश विस्तार से सुना रहा हूँ। कह रहे हैं सुखदेव जी प्रभु बता रहे हैं कि राजा परीक्षित, अब मैं कश्यप ऋषि की 13वीं पत्नी दीति के द्वारा उत्पन्न हुआ वंशजों का वर्णन कर रहा हूँ, जिस वंश में भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी और बलि राजा का जन्म हुआ। दीति के समग्र वंश में ये दो पुत्र बंदनी हुए। दक्ष पुत्री दीति के यहाँ कश्यप के द्वारा जो दो पुत्र उत्पन्न हुआ था, हिरण्यास और हिरण्यकश्यपु, वो भी भगवान के भक्त थे। और हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम जो था जम्भ था, और जम्भ राशि से विवाह किया था कयाधु के साथ। जम्भ राक्षस था, उसकी पुत्री कयाधु से विवाह किया था। तो उनके द्वारा उसको 4 पुत्र हुए थे, सहलाद, अनुलाद, हलाद और प्रहलाद। ये पुत्र पैदा हुए और सिंहिका नाम की एक लड़की भी पैदा हुई थी। बता रहे हैं एक पुत्री थी जिसका नाम सिंहिका था। ये वही राहु है जिसका मस्तक जब भगवान मोहिनी रूप धारण किया था तो अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। हिरण्यकश्यपु का बड़ा पुत्र सहलाद कृति नामक की कन्या से विवाह किया था, उसको पंचजान नामक पुत्र पैदा हुआ था। इसका दूसरा पुत्र हलाद था जो धमनी नाम की कन्या के साथ विवाह किया था, उसको 2 पुत्र पैदा हुए थे, वातापी और इलबल। तीसरा पुत्र अनुलाद के यहाँ सुरम्या नाम की कन्या के साथ विवाह किया था, उसके यहाँ 2 पुत्र हुए, बशकल और महिषासुर। सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद था, प्रहलाद के यहाँ विरोचन नामक पुत्र पैदा हुआ
विरोचन की पत्नी का नाम देवी था, उसी देवी के द्वारा दैतराज बलिराज का जन्म हुआ था। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।